राम चरण रति जो चहे अथवा पद निरवा राम चरण रति जो चहे अथवा पद निरवान भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण कोटका राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए तो यंग पीड़ा व्यापे नहीं महारोग मिट जा जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारे आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन
ब्रज जन रंजन यशोदानंदन 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 ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारे तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम
Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Ram Jaya श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जनकपुर के मिथिला के महाराज निमि नव योगेश्वर में से सबसे छोटे भाई करवाजन ऋषि को प्रश्न करते हैं, इस कलयुग में किसकी भक्ति करनी चाहिए, इस कलयुग में किसकी उपासना करनी चाहिए। तब श्री करवाजन ऋषि निमि महाराज से कहते हैं, कलयुग में भगवान साक्षात इस धरती पर प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। करवाजन ऋषि कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, जो साक्षात राम है, उन्होंने एक ही श्लोक में राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का परिचय दिया। इसी मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना षडभुज रूप का दर्शन कराया। वहां जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य को, गोदावरी के तट पर रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु षडभुज रूप का दर्शन कराते हैं। उस षडभुज रूप में एक राम है, एक कृष्ण है और एक चैतन्य महाप्रभु है, और इसीलिए हम गाते हैं राम कृष्ण हरि, 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 गाइए कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। पिछले 6 दिनों से मैं ये गा रहा हूँ राम कृष्ण हरि, तो कई लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा कि ये क्या गा रहे हैं, इसलिए आज जाते जाते मैं कुछ क्लियर करके जाऊं ताकि आपके मन में यह प्रश्न न रह जाए। राम जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, कृष्ण जो हमारे इष्ट आराधनीय हैं, और हरि माने श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग में प्रकट हुए, और इसलिए राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण गाइए जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, भाव से राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 झूम झूम करना सिखा दो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Daiye Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Pause Naam Maha Dhan hai apno Nahi do sarisam पतियोर कमाने नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी संपतियोर कमाने छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनाने 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 टोक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पाने टोक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुराने श्रीराधिकाराने अपनी ठकुराने श्रीराधिकाराने अपनी ठकुराने श्रीराधिकाराने अपने ठकुराने श्रीराधिकाराने
चरणी हो राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे माधव राधा माधव पंचतत्व 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 जय पंचतत्व पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिता जय जय श्री गौर गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिता जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपा 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 जय श्री प्रभुपा नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री प्रभुपाद की जय नीताय गौर प्रेमानंद हरि बोल लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सियाराममयी सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं तासु कृपा निर मलमति पावं मनोजवं मा रुततुल्यवेगं
जीतेन्द्रियंबो भीमतांबरीष्टम वातात्मजंबा नरयूतमोक्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये बोधिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद् भागवत स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 8 यह सत्य पाश परिवी तपितो निदेशम यह सत्य पाश परिवी तपितो निदेशम स्त्रेण्येस्य चापि शिरसा जगृहे सबार्य श्रेण्यस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य राज्यं श्रियं प्रणयिन सुहदो निवास राज्यं श्रियं प्रणयिन सुहदो निवासम् त्यक्त्वा ययो वनमसो निवमुक्तसङ्गः त्यक्त्वा ययो वनमसो निवमुक्तसङ्गः यः जो रामचन्द्र सत्यपाश सत्य वचन में बंधे हुए पितुः अपने पिता निदेशम आदेश स्त्रेण्यस्य स्त्री अनुरक्त स्त्री में आसक्त च भी अपि निसंदेह शिरसा सिर पर जगृहे स्वीकार किया सभार्यः अपनी पत्नी सहित राज्यम राज्य श्रियम ऐश्वर्य प्रणयिनः संबंधी जन सुहद मित्रगण निवासम
निवासम निवास त्यक्त्वा त्याग कर ययो चले गए वनम वन में असुन प्राण इव सदृश मुक्त संगह मुक्त जीव। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं, अपनी पत्नी को दिए गए वचनों में बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, महाराज दशरथ की तीन पत्नियां थी, इनमें से कैकेयी ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतएव उन्होंने कैकेयी को वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त समय अवसर पर वह मांग लेगी। फलतः रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राज सिंहासन और राम को वनवास दे दे। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मुक्तात्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय वो श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष पाश्चात्य देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी समस्त भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले श्रीधाम मायापुर के परम वरिष्ठ वैष्णव भक्तगण, टीवी इंटरनेट आदि के माध्यम से इस राम कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्री राम कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य है त्रिताप नाशिनी भगवत प्रेम प्रदायिनी श्री राम कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं।
वैसे श्रीमद् भागवत जिसमें आत्मा के धर्म का वर्णन हुआ है, श्री वेदव्यास मुनि ने कहा धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत जिसमें आत्मा के धर्म का वर्णन हुआ है, भागवत जिसमें सुखदेव गोस्वामी संसार के जीव को किस प्रकार से मरना चाहिए मरना सिखाते हैं, किस प्रकार महाराज परीक्षित मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, किस प्रकार ध्रुव महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त किए, खटवांग महाराज अजामिल, भागवत के माध्यम से हम मरना सीखते हैं। परंतु रामायण के माध्यम से हम जीना सीखते हैं। इस संसार में रहकर हम सब मनुष्यों को किस प्रकार से जीना चाहिए, हम सब मनुष्यों को किस प्रकार से मर्यादा में रहकर अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने उपदेश से नहीं अपने आचरण से सिखाया। निज आचरण से भगवान ने हम सबको यह उपदेश दिया। किस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी सारी सुख सुविधा संपत्ति को त्याग कर वन में चला जाता है, भगवान रामचंद्र ने सिखाया। किस प्रकार से एक भाई का अपने भाई के प्रति कर्तव्य होता है, भगवान राम ने सिखाया। किस प्रकार एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य होता है, भगवान राम ने सिखाया। किस प्रकार एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है, भगवान राम ने सिखाया। किस प्रकार एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कर्तव्य होता है, भगवान राम ने सिखाया। और इसलिए भागवत के पंचम स्कंद में सुखदेव जी जहां पर किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हैं, अनेक प्रकार के लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने किम पुरुष वर्ष का वर्णन किया, जहां पर हनुमान जी महाराज अपने अनेक साथियों के साथ रहते हैं और नित्य निरंतर भगवान को स्तुति करते हैं। मर्त्यवतार स्तुहि मर्त्य शिक्षणम् रक्षावदायेव न केवलम् विभो। हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र को स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु आप इस धरती पर क्यों आते हो मैं जानता हूं। अब आप ही बताइए राम के विषय में हनुमान से अधिक कौन जान सकता है। वैसे मेरा दुर्भाग्य होगा कि हनुमान की कथा आपको नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि इस बार की कथा चित्रकूट में विराम लेगी, परंतु आगे वर्णन है किस प्रकार से किष्किंधा नामक क्षेत्र में राम और हनुमान का मिलन होता है। अपने गुरु सूर्य देवता से विद्या प्राप्त किए और जब गुरु दक्षिणा देने लगे तो सूर्य देवता ने कहा गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा ही एक अंश सुग्रीव किष्किंधा में रहता है, वहां जाकर उनका साथ दो, उनकी रक्षा करो। गुरु सूर्य देव की आज्ञा पाकर हनुमान जी महाराज किष्किंधा में रहने लगे। अपनी पत्नी को खोजते खोजते राम और लक्ष्मण किष्किंधा में पहुंचे। सुग्रीव ने उस पर्वत से देखा कि कोई दो पुरुष आए हैं, कहीं बाली के अनुचर तो नहीं है, भयभीत हुआ।
और उसी समय सुग्रीव हनुमान जी को भेजे, जाओ जरा उनकी परीक्षा लेकर आओ वे कौन है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं, किष्किंधा के उस मार्ग पर मिलते हैं। हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन है। भगवान रामचंद्र बड़े सौम्य स्वभाव से अपना परिचय देते हैं, सूर्य वंश के रघुकुल के राजा महाराज दशरथ का मैं ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। राम शब्द सुनते ही हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर राम के चरणों में गिर गए, आंखों से अजत अविरस अश्रु धारा बहने लगी। बोले अखिल ब्रह्मांड नायक की जो परीक्षा करता है मैं उनकी परीक्षा करने चला। अरे मैं तो कई वर्षों से मेरे ईश्वर को मेरे प्रभु को ढूंढ रहा था, आज मेरे सामने आ गए। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता, चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता, क्षत्रिय प्रजदारण धर्म सुजारण कई कई के कारण नाद विभारण असुर विदारण बदमारण सिद्ध उतारण दुनिया विचारण भगवंता। भगवान रामचंद्र हनुमान जी महाराज को कहे कि हनुमान जी आपकी आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान मेरे हृदय में है। राम ने हनुमान को गले लगा लिया। उस दिन से लेकर आज तक हनुमान ने राम का साथ नहीं छोड़ा। मैं यह कह रहा था कि हनुमान जी से अधिक राम को कौन जान सकता है। जैसे कहा जाएगा कि राधा रानी से अधिक कृष्ण को और कौन जानता है, हनुमान जी से अधिक। हनुमान जी ने भागवत में कहा है कि हे प्रभु, रावण आदि असुरों को मारने के लिए नहीं आप इस धरती पर आते हो, एकमात्र मर्त्यवतार स्तुहि मर्त्य शिक्षण, मरण धर्मा मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, अपने आचरण से सिखाने के लिए आप इस धरती पर आते हो। भगवान रामचंद्र अपने आचरण से हमें उपदेश देते हैं, सहज स्वभाव है। पिछले 6 दिन से भगवान रामचंद्र के आचरण कर्म लीला की कथा सुन रहे हैं। वैसे अनेकों लोग मुझे रूम में मिलने के लिए आ रहे हैं, आज एक प्रभु जी आए, कहा प्रभु मैं यहां से कहीं दूर रहता हूं और कथा सुनने के लिए मैं अकेला आया, लेकिन कथा के प्रथम दिन मैंने सुना कि शिवजी जब कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। और आपने कहा कि जब कोई परिवार के साथ भजन करता है तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। आज वह भक्त मेरे पास आए थे, कहा कि प्रभु मैं अकेला आया था लेकिन यह बात सुनकर, मेरा घर यद्यपि दूर था लेकिन मैं तुरंत घर पर गया और पत्नी और बच्चों को लेकर कथा सुनने के लिए आ गया। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों लोग राम कथा के माध्यम से अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई सीख, कोई संदेश, कोई उपदेश, कोई शिक्षा, कोई आचरण जीवन में उतार रहे हैं। पिता के वचन को सुनकर भगवान रामचंद्र 14 वर्ष तक वन में जाने का निर्णय ले लिए। राम के साथ देवी सीता तैयार हुई,
लक्ष्मण जी तैयार हुए। ये तीनों जब निकलने लगे, महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी को बुलाया, कहा ये सुमंत्र, ये राम मेरा बेटा है, मैं जानता हूं राम हमारी बात मानेगा नहीं। सुमंत्र जी एक काम करो, तुम राम के साथ मेरा रथ लेकर जाओ, दो पांच दिन राम को घुमाकर उसे वापस ले आना। सुमंत्र जी अपना रथ लेकर राम लक्ष्मण और सीता को रथ पर बिठाते हैं, वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। आज पूरी अयोध्या राम के पास आई, कहा हम नहीं जाने देंगे। राम ने सबको समझाया। अवध की प्रजा ने कहा कि प्रभु आप यदि वन में जाते हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ निकल पड़ी। धीरे धीरे अयोध्या से ये बहुत बड़ा जुलूस चलते चलते आगे बढ़ रहा है। कितना समर्पण है राम का अपने पिता के प्रति, अपनी मां के प्रति। और हद तो तब हुई भक्तों जब राम ने देखा कि वशिष्ठ जी का आश्रम आया, अपने रथ से उतर गए, वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रणाम किए, आशीर्वाद मांगे कि मैं वन में ऋषि मुनियों से मिलूं, उनकी सेवा करूं। और हद तो तब हुई जब राम ने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से कहा, महाराज कुछ दिन के बाद मेरा भाई भरत ननिहाल से वापस लौटेगा, तो बहुत जल्द कोई अच्छा मुहूर्त देखकर उनका राज्याभिषेक कर दीजिएगा। प्रभु आप मेरे भाई भरत का राज तिलक कर दीजिएगा, और हो सके तो यह खबर मुझे वन में भेजिएगा, मैं भी वन के पशु पक्षियों के साथ उत्सव मनाऊंगा। कितनी ऊंचाई है भगवान राम की। जिस भाई के खातिर 14 वर्ष वन मिला, उस भाई के प्रति भी राम का कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव। आज इस घोर कलयुग में दो भाई एक साथ रह नहीं सकते। एक भाई को दूसरे भाई के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं होता है, लेकिन धन्य है भगवान राम, धन्य है। पुनः रथ में बैठे, रथ आगे बढ़ा, चलते चलते संध्या का समय हुआ और यह पूरा जुलूस तमसा नदी के तट पर पहुंचा। कुछ देर के लिए राम ने विश्राम किया, एक वृक्ष के नीचे बैठे।